मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, उसी को चरितार्थ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन रामगढ़ महिला मंडल की वीरांगनाएं दिवाली की खुशियां बांटने डिवाइन ओंकार मिशन के बच्चों के बीच पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें समोसा, मिठाई, टॉफी व दिवाली के लिए पटाखे भी दिए। समाज सेवी महिलाओं की मौजूदगी में बच्चों ने प्रार्थना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वीरांगना ग्रुप रामगढ़ की अध्यक्ष पिंकी सिंह, सचिव रीना सिंह, अर्चना रानी, माला रानी, कोषाध्यक्ष अंजू सिंह, मीना सिंह, रीना सिंह, सोनी सिंह, नूतन सिंह, रूबी सिंह, प्रियंका सिंह, नीलम सिंह, मीना सिंह के साथ डॉक्टर अपूर्वा मुख्य रूप से मौजूद थी। इस मौके पर वीरांगनाओं ने बताया कि यहां के बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने आगे भी यहां आने की बात कही और उन्होंने कहा कि उनके तरफ से जो भी मदद हो सकेगी वो हमेशा इनको मदद करेंगी का माहौल महसूस कर रहे हैं। और फिर वीरांगना आए यहाँ पे और खूब अच्छे से हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली करके जाए इन बच्चों के साथ। सभी बच्चे के साथ हम आज आए हैं दिवाली मनाने ओंकारा मिशन स्कूल में। वहीं इस मौके पर मौजूद डॉक्टर अपूर्वा ने कहा कि ये बच्चे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं एवं हर स्थिति में हमें सकारात्मक रहने के लिए ये प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय वीरांगना संगठन की तरफ से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ दिवाली मनाने आए हैं। कुछ अलग हम लोग करना चाह रहे थे इस दिवाली पे, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता दिवाली मनाने का। और कई बार हम लोग इन बच्चों के पास आते हैं, इनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और हम इन लोगों को क्या देंगे, इन बच्चों से मिल के जो सकारात्मकता हम लोगों को मिलती है और एक अलग ही तरीके का प्रेरणा हम इन सब बच्चों से यहाँ पर कुछ समय बिताकर और इनके साथ हम दिवाली मना। इस मौके पर मौजूद डिवाइन ओंकार मिशन के राजेश नागी ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए वीरांगनाओं को दिल से आभार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से अनाथ, असहाय और गरीब बच्चों के हौसले बुलंद होते हैं। विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे रामगढ़ जिले की वीरांगना महिला ग्रुप जो है वो यहाँ पर बच्चों के बीच दीपावली का सेलिब्रेशन के लिए अपनी खुशियाँ शामिल करने के लिए बच्चों के साथ पहुँची हुई हैं। और ये महिलाओं ने यहाँ पर बच्चों के बीच उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया है और खुशियों के इस मौके पर उन्होंने पटाखे, मिठाइयाँ, टॉफी और भी बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातों से उन्हें नवाजा है। और हम चाहते हैं कि डिवाइन ओंकार मिशन संस्था जो है पिछले 22 वर्षों से गरीब अनाथ बच्चों पर कुछ ऐसा पढ़ाई का काम कर रही है, उन्हें अच्छे से रहना और अच्छी परवरिश के लिए काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि समाज के ऐसे और भी जागरूक संस्थाएं, जागरूक महिलाएं इस संस्था में पहुँचें और बच्चों के बीच अपने जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया है उसके ऊपर अपना विचार यहाँ पर बच्चों के बीच में शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे प्रफुल्लित हों, अच्छे मार्गदर्शन को पाएं। बेशक ऐसे कार्यक्रम से सुख की अनुभूति होती है क्योंकि यह एक बेहद नेक कार्य है। और आपने सुना, कार्यक्रम के आयोजक महिलाएं जब काफी खुशी और सुकून महसूस कर रही हैं, तो जिनके लिए यह कार्यक्रम हुआ वह असहाय, गरीब और अनाथ बच्चे कितने खुश होंगे। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा आते थे दिवाली, बहुत सारा कोई आए, बहुत अच्छा लगा, सबको आए थे तो आप लोग आए थे तो।
न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है